Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover one of the most important topic for UPSC and UPPCS as well as for other state PCS exams, that is WHO or World Health Organization. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किए थे. वहीं पे मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले समय में सेशंस में हम लोग जो है जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी डीप स्टडी हम लोग करेंगे. वहां पे देखिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने फोकस किया था, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ा था एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखा था. उसके बाद हम लोगों ने ट्रिक भी याद किया था कि किस प्रकार से जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को हम लोग जो ट्रिक के साथ याद करेंगे. आज हम लोग बच्चों WHO के बारे में पढ़ेंगे, मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी बच्चों किसी एग्जाम में हो सकता हो आप लोगों से पूछते कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है. एक कोटेशन जो है जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज. आप सभी लोग को पता है कि इतनी आप कहते हैं खामोशी से जो है मेहनत कीजिए कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचाए. एंड एक और कोटेशन आप लोगों के सामने मैं बोलना चाहूंगी, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज एन अचीवमेंट एंड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो देखिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है एक दिन की मेहनत से जो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. इसके लिए जो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अचीव योर गोल. बेसिकली अगर हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं और यूपीपीसीएस की और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जहां आपको डीएम एसडीएम ये सारे पोस्ट जो है मिलते हैं, तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है. चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, WHO means World Health Organization. अब देखिए प्रिलिम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछता है, सबसे पहली चीज तो कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है. तो 1948 में बच्चों इसको स्थापित किया गया था, 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को. और एक और क्वेश्चन पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इस हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. ध्यान रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में बच्चों इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये भी जो है प्रिलिम्स में यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लेता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रहा है WHO, पहला स्टेटमेंट दे देगा कि WHO का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है 1948, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जेनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा आप लोगों के सामने क्या दे आर 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेस एंड 6 रीजनल ऑफिसेस. इसमें से पूछ लेगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है WHO के रिगार्डिंग सही है. ए बी सी आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, ये ए हो गया, ये वाला बी ऑप्शन हो गया. सपोज कीजिए यहाँ पे जो है 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेस एंड 6 रीजनल ऑफिसेस, सी ऑप्शन हो गया. एंड डी ऑप्शन अगर आप लोगों के सामने है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इतना चीज पता होना चाहिए. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एंड दे आर 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेस एंड 6 रीजनल ऑफिसेस. अब देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट पूछता है, लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं. तो इन द सेम वे WHO since it is a part of the international organization, तो WHO को भी हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. WHO का काम क्या है, अब आपको इसके फुल फॉर्म से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि विश्व में कहीं भी स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे उनसे जो उन कंट्रीज की हम बात करें उसके लिए जो है WHO काम करेगा. तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलाबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट्स, देखिए जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके सहयोग के साथ जो है उनका उनको कोऑपरेट करेगा, आप कह सकते हैं उनके कोलाबोरेशन से जो है WHO काम करता है काम करेगा इजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ. अब देखिए सपोज की अगर हम इंडिया की बात करते हैं
तो इंडिया के साथ WHO काम कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बच्चों वहां पे इन्वॉल्व होगी, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। WHO, देखिए अब आपसे अगर पूछ लेता है कि WHO का काम क्या है, तो ये जो है ग्लोबल हेल्थ इश्यू कोई भी होता है, ग्लोबल हेल्थ मैटर, चाहे मलेरिया की हम बात कर लें, चाहे पोलियो की बात कर लें, चाहे HIV एड्स की बात कर लें, चाहे कैंसर की हम बात कर लें, चाहे किसी भी डिजीज की जो आप कह सकते हैं बहुत ही हाई लेवल पे लोगों को इन्फेक्ट करती है, तो उन सारी डिजीजों को बच्चों इरिडिकेट करने के लिए WHO मेंबर स्टेट्स को जो है हेल्प करता है, प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। देखिए ग्लोबल 194 मेंबर स्टेट्स है यहाँ पे, हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात किया था, 194 मेंबर स्टेट्स, ध्यान रखिएगा 150 कंट्री ऑफिसेस और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, तो यहाँ पे ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है WHO। अभी जब हम लोगों ने कोरोना के बारे में पढ़ा था कुछ समय पहले, 2016-17 के आसपास के जो है हम लोगों ने इबोला वायरस के बारे में पढ़ा था, वहां भी जो है WHO ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, कोरोना वायरस जब फैला हुआ था वहां भी WHO ने जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फाइन, तो देखिए अगर आपसे डेफिनेशन, आप लोगों ने तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया है कि WHO का काम क्या है, कोई भी ग्लोबल हेल्थ मैटर होगा वहां पे जो है लीडरशिप प्रोवाइड करता है, WHO जो है नेतृत्व अपना प्रोवाइड करता है, ताकि इन सभी जो है जो भी ग्लोबल लेवल पे जो डिजीजेस फैली हुई है उनको इरिडिकेट किया जा सके, जो भी डिजीज है उनके मैटर में जो है, देखिए हर कोई भी बीमारी है उस पर अगर कोई किसी भी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च में बच्चों बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो उन सारी हेल्थ रिसर्च एजेंडा पे जो है आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी जो है WHO के द्वारा किया जाता है, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा एंड कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शन, प्लस टेक्निकल सपोर्ट भी जो है मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है, एंड मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स। ओ होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, एक बार जो है इस पॉइंट को जरूर रीड कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर मेंस में जो है लिखने के लिए कहीं आ जाए तो आप वहां पे जो है इन पॉइंट्स को मेंशन आउट कर सकें। WHO प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन द ग्लोबल हेल्थ मैटर्स, शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू द कंट्रीज, मॉनिटरिंग असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स। उसके बाद देखिए बच्चों, आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है WHO का क्या है, 1948। तो देखिए ये जो है 7 अप्रैल 1948 से WHO बच्चों काम करना शुरू कर दिया, इसीलिए जो है 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, इट बिगिन फंक्शनिंग ऑन 7 अप्रैल 1948, अ डेट नाउ बींग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1948 से जो है ये काम करना शुरू किया है, दैट्स व्हाई 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। लास्ट में जो है हम सभी चीजों को कंक्लूड करेंगे, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को सभी चीजें याद हो जाए। अब सपोज कीजिए यूपीएससी में, या फिर आप कह सकते हैं यूपीपीसीएस में और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछ ले व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WHO, आखिर WHO का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए इंटरनेशनल हेल्थ वर्क में जो है ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है अथॉरिटी को ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, किस प्रकार से जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है हेल्थ के प्रति जो है आप कह सकते हैं काम कर रहा है, उसको डायरेक्ट करता है WHO, कोऑर्डिनेट भी करता है अथॉरिटीज को WHO। ध्यान रखिएगा WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1948, 7 अप्रैल से जो है इसने काम करना शुरू किया था, इसीलिए जो 7 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, मेंटेन्स एंड हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोलैबोरेशन विद द यूएन एंड एनी अदर एप्रोप्रिएट बॉडीज। अब देखिए आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आपको जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एजेंसीज की जो है कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आप कह सकते हैं WHO क्या करता है, मेंटेन्स एंड हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन से जो है कोलैबोरेशन मेंटेन करता है, एस्टैब्लिश करता है एंड एनी अदर एप्रोप्रिएट बॉडीज, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए वर्ल्ड से इरिडिकेट
करने के लिए, तो हम इजिली जो है उस काम को जो है आप कह सकते हैं पूरा जो है आप पूरा कर सकें। असिस्ट गवर्नमेंट, इवन अगर किसी भी कोई भी मेंबर स्टेट है अगर WHO से जो है मदद मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज को जो है स्ट्रेंथन करने में हमारी हमारी जो है हेल्प कीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर डिजीज को जो है सपोज कीजिए हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई XYZ डिजीज हमारे यहाँ है, जैसे हम पोलियो की बात कर रहे थे और अभी हम मलेरिया के बारे में भी देखेंगे, तो अगर इंडिया की हम बात करें कोई XYZ डिजीज यहाँ पे है, तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है अगर रिक्वेस्ट की जाती है WHO से कि आप जो है हमें हेल्प प्रोवाइड कीजिए ताकि जो है हम इस पर्टिकुलर डिजीज को जो है यहाँ से जो है खत्म कर सके, तो वहां पे जो है बच्चों WHO मदद करता है। या फिर किसी भी हेल्थ सर्विसेज मीन्स आप कह सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए भी अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर किसी भी पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट करती है WHO से, तो वहां में WHO के द्वारा मदद प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गिव एप्रोप्रिएट टेक्निकल असिस्टेंस एंड इन केस ऑफ इमरजेंसीज रिक्वायर्ड एड अपॉन द रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, टेक्निकल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, आज के समय की अगर हम बात करें तो बिना जो है टेक्नोलॉजी के किसी भी जो है बीमारी को आप यहाँ से जो है विश्व से जो है नहीं हटा सकते हैं, क्यों आप नहीं जो है इरिडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंस भी WHO के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसीज रिक्वायर्ड एड अपॉन द रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए कंट्रीब्यूशन, अब हम लोगों ने ये इतनी पॉइंट्स देख लिए कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं WHO का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए बहुत सारे डिजीजेस को जो है हटाने में WHO ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे हम स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, स्मॉल पॉक्स, उसके बाद हम पोलियो की बात करते हैं, पोलियो 1988 से अगर हम बात देखेंगे, 1988 से अगर आप देखते हैं आज 2024 में, 2019 की हम बात करें, आप डेटा बच्चों हम लोगों ने जो है 2019 का लिया हुआ है, तो अभी हम देखें तो 99% तक जो है पोलियो खत्म हो गया। अभी एक बार हम इसे रीड करेंगे, बस मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को आइडिया दे दूं। वहीं हम मलेरिया की बात करते हैं बच्चों, तो मलेरिया ये जो है बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं, इससे अगर हम ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन की बात करते हैं तो वहां पे देखेंगे बच्चों 216 मिलियन पीपल जो है मलेरिया से सफर कर रहे हैं। चलिए हम पहले स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ द WHO हम देख रहे थे बच्चों, WHO हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंडिकेटिंग द सफरिंग ऑफ द मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इट्स असिस्टेंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं या फिर पोलियो की बात करें या फिर हम मलेरिया की बात करें या फिर हम HIV/AIDS और कैंसर किसी भी प्रकार की हम डिजीज की बात कर रहे हैं, तो थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल जो है, करोड़ ऑफ पीपल जो है इन सभी बीमारियों से सफर कर रहे हैं। WHO ने जो है जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस WHO ने इन सभी डिजीजों को जो है आप कह सकते हैं कम करने में या फिर जो है खत्म करने में, इसने जो मिलियंस ऑफ पीपल की जो सफरिंग्स को जो है इंडिकेट करने में WHO का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, WHO हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इरेडिकेटिंग द सफरिंग ऑफ मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू इट्स असिस्टेंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स। अब देखिए कुछ माइलस्टोन्स हम देखेंगे कि कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जो WHO के द्वारा जो है अचीव किए गए, जैसे कि इरिडिक्शन ऑफ द स्मॉल पॉक्स 1980 में ही आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल पॉक्स का जो है अभी कहीं ना कहीं कुछ घरों में जो है आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि छोटी माता जी निकल गई हैं और बड़ी माता जी निकल गई, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जिन्हें हम कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं लार्ज लेवल पे अगर हम बात करते तो 1980 में ही जो स्मॉल पॉक्स के रिडक्शन में WHO का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वहीं जब हम पोलियो की बात करते हैं, पोलियो भी जो है लगभग लगभग आप कह सकते हैं खत्म होने की कगार पे आ गया। पोलियो जो कि छोटे बच्चों को बेसिकली इन्फेक्ट करता था, आप कह सकते हैं इन्फेंट्स को, यंग चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता था, बिकॉज ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो WHO के द्वारा लेकर के आए गए थे, इसकी मदद से आपको देखने को मिलेगा कि पोलियो पोलियो के
केसेस जो है लगभग लगभग 99% तक जो है बच्चों खत्म हो चुके हैं। लगभग लगभग आप कह सकते 99% तक पोलियो के केसेस खत्म हो चुके हैं सिंस 1988 की अगर हम बात करेंगे, 1988 से अगर हम देखेंगे यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 99% तक जो है पोलियो केसेस खत्म हो गए हैं। कुछ जगह पे जो है अभी भी आपको पोलियो देखने को मिलेगा। देखिए लगभग अप्रोक्सीमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द नेशन से ये पोलियो खत्म हो चुका है। कुछ तीन नेशन है जैसे कि नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। 2019 का डेटा हम लोगों ने लिया है तो नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की हम बात करेंगे। अभी भी ये नेशन जो है सफर कर रहे पोलियो पोलियो से, बट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा सिंस इट इज प्लेइंग द WHO इज प्लेइंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडिकेटिंग दीज डिजीजेस फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आने वाले समय में आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया यहाँ से भी देखने को मिलेगा कि पोलियो जो है खत्म हो चुका है। बट देखिए सिर्फ WHO का ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहना चाहिए, ये अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया यहाँ की गवर्नमेंट भी जब तक इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी इन सब डिजीज को यहाँ से अपने देश से हटाने के लिए, तब तक कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अकेले काम नहीं कर सकती है। तो जैसे ही आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया इनके गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी कंट्रीब्यूट करेगी, WHO जो है इजीली जो है इन नेशन से पोलियो को हटा देगा, खत्म कर देगा। जब हम मलेरिया की बात करते हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका की आप अगर आप बात करेंगे जहाँ पे 216 मिलियन पीपल जो है बच्चों मलेरिया से सफर कर रहे हैं, देखने को आपको मिलेगा कि 90% मलेरिया केसेस जो है आपको इन ट्रॉपिकल अफ्रीकन रीजन में देखने को मिलेगा। डेथ्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर हम अफ्रीकन रीजन की बात करते हैं तो जो डेथ रेट है ड्यू टू मलेरिया हैज बीन ब्रॉट डाउन बाय 60% एज ऑफ द 2018। तो देखिए 2018 की अगर हम बात करें, 2018 से अगर आप देखेंगे तो 60% तक जो है मलेरिया का केस जो है कम हो गया है। 2008 की हम बात करें, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डेथ रेट ड्यू टू मलेरिया, मलेरिया के कारण जो डेथ रेट है वो जो है कम हो गया बाय 60% एज ऑफ 2018। देखिए अभी तो हम लोगों ने जो है पुराना डेटा दिया हुआ है, जिस भी ईयर आप एग्जाम देने जाएंगे, सपोज कीजिए 2024, 2025, 2026, कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप मेरे सेशन को सुन रहे होंगे, तो वहां पे बच्चों अपने आप को अपडेट करके जरूर जाएंगे कि किस ईयर से जो है, जैसे हम यहाँ 2018 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने जो है बच्चों पोलियो का देखा था 2019 के अकॉर्डिंग देखा था, अब देखिए हम लोग जो है 2008 में देखते हैं क्या लिखा है। 2008 में जो WHO के द्वारा इनिशिएट किया गया ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे, और इसे 25 अप्रैल, दिस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को जो है WHO के द्वारा एक डे जो है सेलिब्रेट करने, आप कह सकते हैं एक डे जो है मनाने की बात की गई, इनिशिएट किया गया ऑब्जर्वेंस ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे, और वो तारीख कौन थी 25 अप्रैल। रीड मोर अबाउट दिस डे इन द हिस्ट्री रिलेटेड, सॉरी ये जो है आपके लिए जो है आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मोर जो है आपको जो और ज्यादा डेटा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है हम 25 अप्रैल के बारे में बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जानना चाहेंगे, इसको यहाँ से आप हटा देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 25 अप्रैल ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, जैसे HIV की हम बात कर रहे थे, एड्स की हम बात कर रहे, HIV, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, इबोला वायरस के बारे में हम लोगों ने देखा था, कोरोना के बारे में भी आप कहेंगे, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB एंड अदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जैसे कि हार्ट डिजीज की हम बात कर रहे हैं, कैंसर की बात कर रहे हैं, इन सभी डिजीजेस पे जो है WHO वर्क कर रही है और अपना आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन सब डिजीजेस को जो है कम करने में, ताकि जो है लोगों की जो जो डेथ रेट हो जो डेथ रेट है वो कम होती जाए। इट ऑल्सो टेक एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैटरनिटी एंड इन्फेंट हेल्थ केयर, ओल्ड एज केयर, हाइजीनिक फूड एंड वाटर फॉर ऑल। ओवरऑल अगर आपको देखने को मिलेगा तो फुल फ्लेज्ड कह सकते हैं डायमेंशन में जो WHO हेल्थ के प्रति जो है काम करा, चाहे वो मैटरनिटी के प्रति, डायरेक्शन ऑफ मैटरनिटी हो, चाहे इन्फेंट हेल्थ केयर हो, चाहे ओल्ड एज केयर हो, चाहे जो है हाइजीनिक फूड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वाटर की हम बात कर रहे हैं, चाहे जो है आप कह सकते हैं वेरियस डिजीजेस की हम बात
बात कर रहे हैं, जैसे मलेरिया, पोलियो, कोरोना वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा, इबोला, आप कह सकते ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, तो सभी डायरेक्शन में जो WHO अपना काम कर रहा है, अगर हम बात करते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है WHO का इंडिया में, तो देखिए इंडिया भी जो है WHO का मेंबर है, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ऑफिस जो है भारत में कई जगह आपको देखने को मिलेंगी। WHO कंट्री ऑफिस अगर हम बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे हो सकता हो कहीं ये क्वेश्चन पूछ ले कि WHO कंट्री ऑफिस का यानी कि WCEO कहाँ है इंडिया में, ये बच्चों आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ द मलेरिया 2017 एंड 2022 वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखिए ये जो है मलेरिया को हटाने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2017 से 2022 तक का जो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था, और इसका चीफ एम क्या है, मलेरिया को भारत से 2027 तक हटा देना। अब देखिए प्रिलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कब से कौन सा ईयर टारगेट किया गया है मलेरिया को एलिमिनेट करने का या फिर इरिडिकेट करने का भारत से, तो 2027 ध्यान रखिएगा। या फिर आपसे पूछ ले कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2027 तक जो है कौन सा जो है 2027 जो है टारगेट बनाया गया, किस डिजीज को जो है भारत से खत्म करने के लिए, मलेरिया की हम बात कर रहे हैं बच्चों। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान हैज फॉर्मुलेटेड ईयर वाइज एलिमिनेशन टारगेट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देख सकते हैं कि ये जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान की बात हम कर रहे हैं, भारत में जो है हर साल आपको जो आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लान जो है फॉर्मुलेट किया जाता है भारत में जो है अलग अलग हिस्से में। इट इज फॉर्मुलेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान की हम बात करें, मलेरिया को जो है इंडिया से एलिमिनेट करना है, जो कहीं ना आप कह सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है हेल्प सपोर्ट से ही इन सभी और स्ट्रेटेजिक प्लान को जो है लॉन्च किया था, फॉर्मुलेट किया जाता है। ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर द मलेरिया 2016-30। तो देख सकते हैं आप कि कौन किसकी मदद से जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया गया था, इट इज फॉर्मुलेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी। अब देख सकते हैं WHO का जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी है फॉर मलेरिया 2016 से 2030 तक का, इसी की मदद से जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को जो है फॉर्मुलेट किया गया था। तो होप सो WHO के लिए जितनी भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। लास्ट में जो है आप लोग के लिए APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा एक कोटेशन लेकर के आई हूं मैं, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट। तो इसका मतलब आप सभी लोग को पता है, इंग्लिश तो आप सभी लोगों को आती होगी, बट हाँ आप इसको कितना समझ रहे हैं, इस कोट को कितना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करता है। कि देखिए आप विजेता वो नहीं है जो कभी हारा नहीं है, विजेता वो है जिसने कभी भी जो है युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके नहीं गया। सपोज कीजिए आप UPSC का एग्जाम दे रहे हैं और आपने आप कह सकते हैं कि आपने UPSC के एग्जाम के लिए जो है आपने प्रिपरेशन की और आप अपियर ही नहीं हुए, तो ये आप नहीं कह सकते कि मैं फेल नहीं हुआ हूं। बट विनर वो होगा, विजेता वो होगा जो लगातार उस एग्जाम में जो है अपने आप को जो है आप कह सकते हैं उस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। एट द एंड क्या होता है वो पता नहीं है, वो तो आपके हार्डवर्क पे डिपेंड है एंड 1% आपके लक पे डिपेंड है। बट अगर आपने क्विट नहीं किया है, देयर वेरी मच चांसेस कहीं ना कहीं जो है आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, इस कोट को ध्यान रखिएगा, हो सके ये कोट भी कहीं आपको लिखने को आपके एग्जाम में लिखने के लिए काम आ जाए, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट। एक बार जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बच्चों, एक बार रिकॉल करना बहुत जरूरी, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको एंड एग्जाम को क्लियर कर सको। देखिए आप यहाँ पे जो चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि सेशन जैसे ही एंड हो आपको सभी चीजें पता हो WHO के बारे में, कि WHO का काम क्या है, WHO की स्थापना कब हुई, 1948 आप लोगों को पता है बच्चों, 1948 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिस हैं एंड 6 रीजनल ऑफिस हैं। इसे हम जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जहां पे जो है WHO किसी अगर
नंबर स्टेट में या फिर कह सकते किसी कंट्री में काम कर रहा, तो वहां पे बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उस पर्टिकुलर कंट्री की जो है WHO के साथ जो है काम करती है किसी पर्टिकुलर डिजीज या फिर किसी हेल्थ सेक्टर में जो है। 7 अप्रैल की हम लोगों ने बात की थी, तो 7 अप्रैल 1948 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करना शुरू करता है, इसलिए 7 अप्रैल को हम जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल से, ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल से वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट, 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव की बात की थी, ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों की इस WHO का काम क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ वर्क पे जो है किसी भी अथॉरिटी को जो है आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्ट करना, दीज आर द मेन वर्क ऑफ द WHO और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WHO, प्लस UN के साथ जो है कोलाबोरेशन मेंटेन करना एंड अदर एप्रोप्रिएट बॉडीज के साथ जो है, जो कोई भी किसी भी हेल्थ सेक्टर में जो वो बॉडी अगर उस WHO को हेल्प करती हैं तो उनके साथ भी जो है मेंटेन करना एंड हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कोलाबोरेशन विद द UN एंड अदर एप्रोप्रिएट बॉडीज। दूसरा पॉइंट जो है कोई पर्टिकुलर नेशन मेंबर स्टेट है उनके द्वारा जो है अगर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे यहाँ इस हेल्थ सर्विस को जो है स्ट्रेंथन करने में हमारी मदद कीजिए, तो वहां भी WHO के द्वारा जो है हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी WHO के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हम लोगों ने देखा था स्मॉल पॉक्स को जो है 1980 में जो है इरिडिकेट करने में WHO का मेन रोल रहा है। पोलियो की हम बात करते हैं तो पोलियो भी जो है आपको देखने को मिलेगा 99% तक जो है खत्म हो चुका है। 3 नेशन अगर हम 2019 की डेटा की हम बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा पोलियो जो है नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन 3 नेशन को छोड़ करके सभी जगह से जो है खत्म हो गया है। मलेरिया की हम लोगों ने बात की थी, तो मलेरिया की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो मलेरिया के लिए WHO, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया के लिए जो है आप नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान WHO का जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सॉरी ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016-2030, इसी के मदद से जो है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है आप कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रिपेयर किया गया है ताकि 2027 तक जो है हम मलेरिया को भारत से खत्म कर सकें। तो होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू रिलेट टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि बच्चों ने जो है आप कह सकते हैं डिमांड किया था IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में और मीका के बारे में जो सेशन बनाने के लिए, तो कुछ दिन आने वाले टाइम में जो है बच्चों इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए जो है डीप स्टडी हम करेंगे, अच्छे से जो है सभी चीजों को वहां पे पढ़ेंगे ताकि प्री और मेन्स दोनों एग्जाम जो है आप आसानी से क्लियर कर सकें। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यही पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अवर चैनल रिचा UPSC क्लासेस। थैंक यू सो मच।